गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रूप सिंह यादव आप सबके लिए के आया हूँ गुरु ज्ञान क्लासेस पर। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही लेक्शन बनाऊंगा एग्रीकल्चर के, और अन अकेडमी पर मैंने इन सभी फसलों का और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो आप मेरे लेक्चर वहाँ पर देख सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको नहीं पहुँच पाते हैं तो कुछ नहीं करना, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ लॉगिन करना है और रूप सिंह यादव सर्च करना है, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक्स की ओर से। सबसे पहले समथिंग अपने मध्य प्रदेश का जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं पहले, राइट। तो सबसे पहले ग्वालियर से स्टार्ट किया है हमने, ग्वालियर में आलू का रिसर्च सेंटर, याद रखना ग्वालियर में आलू का रिसर्च। जबकि मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है सरसों। और मध्य भारत को याद रखना, किसको बोल रहा हूं मैं, मध्य भारत को हम सरसों का भंडार कहते हैं, याद रखना सरसों का भंडार। आपको एक वीडियो में ही सब कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के यहीं से नहीं जाएंगे पीएससी के बाहर, राइट। तो दूसरा मसाला पार्क प्रदेश का कहाँ है, दूसरा मसाला पार्क जो है एमपी का है ये, और ये गुना में है, जबकि पहला बोरेगांव छिंदवाड़ा में लगाया गया था। एमपी का पहला मसाला पार्क, याद रखना एमपी का पहला मसाला पार्क बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। बालाघाट में आपके पाए जाते हैं सबसे ज्यादा चावल। विदिशा डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा चना का प्रोडक्शन करती है। नरसिंहपुर जो है गन्ना का प्रोडक्शन करता है, और गन्ना का जो रिसर्च सेंटर है वो भी नरसिंहपुर में है। जबलपुर में सबसे ज्यादा आम होते हैं, और आम का जो रिसर्च सेंटर है हमारा गोविंदगढ़ में है, याद रखना आम का रिसर्च सेंटर जो है गोविंदगढ़, ठीक। सतना के नागौद में है जैव विविधता पार्क, याद रखना सतना के नागौद में जो है आपका जैव विविधता पार्क है, याद रखना जैव विविधता पार्क। जबकि रीवा में जैव ऊर्जा पार्क है, याद रखना जैव ऊर्जा पार्क रीवा में है। इंदौर में पहले भोपाल देख लें, जैव विविधता बोर्ड है यहां पर जो है, जैव विविधता ठीक पार्क है अपना, ठीक है जैव विविधता प्रौद्योगिकी है पार्क। फिर है आलू सबसे ज्यादा जो होते हैं वो इंदौर प्रोडक्शन करता है। फिर अपन चलते हैं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो होता है गेहूं होता है, और यहीं पर एमपी का गेहूं का रिसर्च सेंटर जो है वो यहीं पर है। जबकि जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय वीट और मक्का का रिसर्च सेंटर है। मंडला में जूट उद्योग है हमारा, साथ ही जैविक कृषि केंद्र की यहां की गई है स्थापना, ठीक। पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक बायोफ्यूल का है संयंत्र यहां पर है। इसके अलावा मंडला में जो है हमारा बायोफ्यूल संयंत्र है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जेट्रोपा भी यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब चलते हैं मंदसौर, मंदसौर में सबसे ज्यादा होती है अफीम। नीमच में एल्कोइट फैक्ट्री, अंगूर जो है रतलाम में रिसर्च सेंटर है। एमपी का सोयाबीन का जो रिसर्च सेंटर है, याद ना एमपी का सोयाबीन रिसर्च सेंटर ये उज्जैन में है, जबकि इंदौर में नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर है ये नहीं यहां पर है, ठीक।
फिर नूरजहां आम की किस्म है ये हमें यहीं पर मिलती है कट्टीबाड़ा में। नूरजहां जो है आम की किस्म है। ज्वार का रिसर्च सेंटर खरगोन में है, कपास का रिसर्च सेंटर खरगोन में है, मूंगफली का रिसर्च सेंटर खरगोन में है। बड़वानी में देखें हम चावल का रिसर्च सेंटर बड़वानी में है, राइट। ठीक, केला हमारे बुरहानपुर में, प्याज खंडवा में, गांजा हमारा खंडवा में। बैतूल होती में सबसे ज्यादा होता है कहवा याराना, कॉफी की खेती बैतूल में। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, राइट दोस्तों, छिंदवाड़ा में हमारा एग्रो कॉम्प्लेक्स है। फिर सीहोर अपना यहाँ आता है, सीहोर के बारे में मैं अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सीहोर में दलहन रिसर्च सेंटर है, ये अमलाह में है। इसके अलावा सीहोर में कृषि अनुसंधान केंद्र की भी रिसर्च स्थापना की गई, भारतीय कृषि अनुसंधान सीहोर के अमलाह में है। ठीक, फिर इसके अलावा हमारा सीधी डिस्ट्रिक्ट है, सीधी अरहर या तुअर तिल। रीवा जो है हमारा सबसे ज्यादा अलसी का प्रोडक्शन करता है और तंबाकू। सागर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा मैक्सिमम तेंदू पत्ता का प्रोडक्शन करता है। अलीराजपुर जो है हमारा महुआ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। पॉइंट्स क्लियर हुआ दोस्तों। सिवनी, सिवनी का भी मैं बारे में ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। सिवनी फर्स्ट याद रखना, सिवनी के बारे में भी हम ऊपर लिख रहे हैं। यहां पर जो है सोयाबीन से ऑयल निकालने का कारखाना है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा भोपाल में सोयाबीन से बिस्किट बनाने के कारखाने हैं। ठीक, इसके अलावा सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यही होता है, एक फूड प्रोसेसिंग पार रह गया, इसका एक टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। आज के लिए गुरु ज्ञान क्लासेस में इतना ही। और हमारी गुरु ज्ञान अकेडमी के नाम से कोई वेबसाइट नहीं है, मेरी प्रोफाइल लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो आप लोग अब उनको ना ज्वाइन करें। और MPPSC टेस्ट सीरीज चल रही है, मेरी कॉल करें ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही।